तो ये देखिए यहाँ पे एक कब्र खुला भी हुआ हुआ है, और यहाँ पे तीन जगह है, एक जगह नहीं, एक ये है, एक वो है, और एक थोड़ा पहले दिखाया था वो है। ये वही जगह था जहाँ पे हलीमा सदिया रजिया तनानु का घर हुआ करता था। तो और दुनिया वाले को दिखाना था खुदा के नबी बन करके आए थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आशिक रहमान और आप देख रहे हो मेरा चैनल अमेरिका जर्नी। तो आज मैं उस मकाम में हूँ जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन का 4 साल गुजारे थे, और यहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक कर दिल बाहर निकाल के जमजम का पानी से धोया भी गया था, और हलीमा सदिया रज़ी अल्लाह अन्हा का यहाँ पे खेमा भी हुआ करता था उस जगह पे। तो फाइनली अभी पहुँच चुका हूँ उस जगह पे जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन का 4 साल गुजारे थे। तो सुबह 8:30 बजे निकला था, अभी बज रहे दोपहर का 12 बज रहे, बहुत लंबा टाइम लग चुका है यहाँ आने के लिए, रुक रुक के आए हम लोगों इसीलिए, और टाइप में भी थोड़ा बहुत रुक गया था इसीलिए लंबा टाइम लग गया। तो बहुत सारे हुजाज कराम आए हुए हैं यहाँ पे देखिए इस जगह पे ज़ियारत करने के लिए। हाँ सर, ठीक ऊपर जाना होगा। तो बहुत सारे जगह पे यहाँ पे जायनमाज लगा हुआ है, देखिए जैसे कि यहाँ पे भी जायनमाज है, कुछ पत्थर उत्थर भी रखा हुआ है, ये देखें। और ऊपर में एक खेमा हुआ करता था, तो वहाँ पे चलूँगा मैं पहले। तो 3 साल पहले से मैं सोच रहा था यहाँ पे आऊँगा देखने के लिए, ये जगह घूमने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत ने मुझे आज लेके आया यहाँ पे, क्योंकि अगर 3 साल पहले मैं आता तो आप लोग को ये जगह नहीं दिखा पाता, क्योंकि उस टाइम में मैं यूट्यूब चैनल खोला नहीं था। तो अभी आया हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल भी खोल लिया और आप लोगों को दिखाना भी चाहता हूँ अभी, इसलिए मैं आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल को सुकून महसूस हो रहा है। अभी आने के टाइम में तकलीफ़ तो बहुत हुआ, लेकिन ये जगह पर आने के बाद बहुत ही खुशी फील हो रहा है कि ये जगह पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन का 4 साल गुजारे थे यहाँ पे। एक सोच के देखो आप, जो बचपन का ना पैदाइश के बाद 4 साल इस जगह पे गुजारे थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत सारे वाकया भी है इस जगह के बारे में, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह बताऊँगा मैं आप लोगों को। अभी मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रजाई माँ हलीमा सादिया का खेमा हुआ करता था उस जगह पे। 1400 साल पहले यहाँ पे बनी साद का कबीला हुआ करता था। तो इस जगह में जो जगह है ना, पूरा इस जगह पे बनी साद का कबीला रहता था यहाँ पे। तो माशाल्लाह दिखाता हूँ धीरे धीरे सब कुछ, सब जगह। ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं और ऐसे पत्थर से भरा हुआ, देखे पूरा पहाड़ पत्थरों से भरा हुआ है। तो यहाँ ना कोई इबादत नहीं है, लेकिन हमारे नबी का मोहब्बत है जो हम लोगों को यहाँ पे खींच के लाते हैं। तो अल्लाह का अलग अलग शुक्र मैं ये सब जगह अपने आंखों से देख पा रहा हूँ और चल पा रहा हूँ इस जगह पे जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले होंगे, इस जगह पे घूमे होंगे ये सब जगह। तो आज से 1400 साल पहले अरब का शहरों में एक रिवाज हुआ करता था, जो शहरों के बच्चे हैं ना, कहीं पर बच्चे पैदा होने से शहरों के बच्चे को गाँव देहात में भेज दिया करते थे अच्छे सेहत के लिए और अच्छे अरबी सीखने के लिए। तो ऐसे ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी साद के कबीले में भेज दिया था। तो शहरों में क्या है ना, तो बहुत जगह के लोग आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ का जो लैंग्वेज होता है, जो जबान होता है, थोड़ा मिक्स होता है। तो इसलिए गांव देहात में भेज दिया करते थे अपने बच्चों को, क्योंकि गाँव देहात में कोई शहर के लोग या बाहर के लोग आते नहीं हैं, वहाँ पर अच्छी जो प्योर अरबी है ना वो लोग सीख सकते हैं, बोल सकते हैं गाँव के लोग, इसीलिए अपने बच्चों को तो गांव में भेजा करते थे कि अच्छी अरबी सीखें यहाँ पे आके, अच्छी तरबियत हो। इसीलिए उस रिवाज का मुताबिक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गांव में भेज दिया था दाई हलीमा के साथ में। तो ये वादी मक्का से लगभग 170 किलोमीटर दूर पे है और ताइब से 70 किलोमीटर दूर पे है ये गांव, ये जगह, ये वादी। तो यहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियाँ भी चराए थे यहाँ पर और बचपन का 4 साल गुजारे थे यहाँ पर, और यहाँ पे बनू साद के कबीले यहाँ पे रहते थे इस जगह पे। तो दूर दूर तक देखिए अभी पहाड़ी दिख रहे हैं यहाँ पे।
तो ये पूरा वादी मैं अभी घूमूंगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा इस जगह के बारे में। मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कांटे का पेड़ है, मुझे पहले पता नहीं चला था ये कांटे है बोल के, अभी मेरा जूते में घुसने के बाद मुझे पता चला कि ये कांटे है। और यहाँ आने से इसलिए देख के संभल के चलिएगा कांटे से बच के, ऐसा ऐसा पेड़ है कांटे का। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए, जगह पे देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो इस जगह पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। थोड़ा पहले भी मैं देखा था गाड़ी भर के आया था, अभी भी कुछ लोग जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे लोग आना जाना करते रहते हैं। तो देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे हलीमा शादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का खेमा हुआ करता था। तो इस जगह पे खेमा हुआ करता था उनका। और आगे एक जगह है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाक कर दिल मुबारक धोया था, वो जगह मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। पता नहीं, एक चीज़ है यहाँ पे, देखिए आगे लोग ऐसे लिख के जाते, पता नहीं ऐसा लिखने से क्या मिलता होगा। ये तो कोई लिखना इबादत नहीं है, यहाँ लिखने से आप लोगों को जन्नत मिलने वाला नहीं है, आपका अमल ही आपका साथ जाने वाला है और कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। लिखने से क्या मिलता है मुझे नहीं पता। यहाँ लोग आके आपका पैर रखते हैं, बैठते हैं सब जगह पे, तो मेरे हिसाब से ऐसा जगह पे आके ऐसा लिखना नहीं चाहिए। तो आप लोग कमेंट में आप लोगों का राय ज़रूर बताइए, पता नहीं लोग आके ऐसा क्यों लिखते हैं। तो वहाँ पे एक औरत नमाज़ पढ़ रही है, तो क्यों ना आपको मैं इस जगह पे बैठ के थोड़ा उसका स्टोरी बता दूँ। तो आज से 14 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, है ना, दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पढ़े तो नहीं थे। जब पढ़े नहीं थे तो और दुनिया वाले को दिखाना था, खुदा का नबी बन करके आए थे, रहमतल लिल आलमीन थे। तो जब रहमतल लिल आलमीन थे और पढ़े नहीं थे तो वही दिल जो है ना चेंज किया था खुदा ने, जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा सीना सीने मुबारक को क्या कहते चीरा, चीरने के बाद उसका चेंज किया और उसको आब हयात से धोया गया, सीने को सदर मुबारक उसको बोलते हैं, सदर मुबारक को धोया गया। धोया धोने के बाद उनका हर चीज़ चेंज हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, है ना। और जब वो चेंज हुआ ना तो जो अभी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सीने मुबारक के ऑपरेशन जैसे करते हैं ना, वैसे उसका सिलाई का भी दाग था। तो जब उसको आया और जार यानी ठंडा बुखार के जैसा उनको लग रहा था, तो जब उनके रजाई भाई और बहन देखे तो अपनी अम्मी वालदा हजरत दाई हलीमा से कहे कि भाई जान को बहुत ज़्यादा बहुत शिद्दत की बुखार है, है ना। तब वो आई हजरत दाई हलीमा जो रजाई माँ थी वालदा थी, वो उनको फिर यानी गदला के नीचे में उनको दबा के रखा गया, तब फिर वो ठंडा हुए थे। तो वही सदर मुबारक यहीं पे सीना यानी चाक किया गया था। तो हमारे कमरुद्दीन भाई नेपाल के इमाम भी है, तो बहुत अच्छा बात बोला। मैं बोल रहा था, मैं सुन रहा था, इन्होंने भी बोल दिया, इसलिए मैं खामोश हो गया। इनका वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि बहुत अच्छा बात बोला। तो वो जगह मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो वहाँ पे लोग नमाज पढ़ रहे थे इसलिए मैं गया नहीं वहाँ पे, तो अभी जाऊंगा वो जगह भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ठीक सामने देखिए एक कब्रिस्तान भी है उस तरफ, वो कब्रिस्तान है। तो ये 1400 साल पुराना बात है। तो यहाँ कहा जाता है जो हलीमा सदिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर हुआ करता था यहाँ पे। तो इसके कोई पक्की दलील नहीं है, जो भी जितना भी जगह दिखाया हो ना, ये सबका पक्की दलील नहीं है कि यही जगह है, इसी जगह में रहता था। हाँ, ये पक्की बात है कि जो ये जो पूरा एरिया है ना, ये बनी साद का कबीला रहता था इस जगह पे। तो ये कोई 100% श्योर नहीं कि ये वही जगह था जहाँ पे हलीमा सदिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर हुआ करता था। थोड़ा बहुत जगह चेंज भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कोई पक्की दलील नहीं है इसको। तो ये कोई इबादत नहीं है यहाँ आना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत है जो हम पे यहाँ पे आए देख रहा हूँ ये सब जगह, और आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास पैसा नहीं है यहाँ पे आने के लिए, तो वो लोग मेरा वीडियो से देख सकते हो। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें कि ये सब जगह देखने के लिए। तो ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक कर यानी दिल खोल के जमजम का पानी से धोया गया था, ये वो जगह है। ये देखें, यहाँ पे बहुत सारे जायनामाज भी बिछा हुआ है। और यहाँ पे तीन जगह है, एक जगह नहीं, एक ये है, एक वो है, और एक थोड़ा पहले दिखाया था वो है। तो ये तीन जगहों में से एक जगह ऐसा है जहाँ पे खेमा हुआ करता था, और एक जगह ऐसा है जहाँ पे सीना चाक कर दिल मुबारक बाहर किया था।
तो मुझे खुशी इसलिए हो रहा है कि हमारे नबी का पैर जिसमें पड़ा हुआ है उस जगह पे मैं भी पैदल चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। और यहाँ पे और एक बात है, यहाँ पे जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना, तो वह जगह का रौनक बदल चुका था। पहले यहाँ खेती बाड़ी कम होता था, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद खेती बाड़ी ज़्यादा होने लगा, तो हर चीज़ों में बरकत आने लगा था, हर चीज़ों में। जैसे कोई बकरी अगर दूध कम देती थी वो ज़्यादा देने लगी थी, अगर कोई खेती बाड़ी में फल फूल कम लगता था तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद फल फूल ज़्यादा लगने लगे, तो बहुत इस गांव में बरकत छाने लगा था। तो क्यों ना हो, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गांव पे आए और इस गांव का बरकत ना हो। तो यहां पे मुझे एक कुआं दिख रहा है जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, मुझे लग रहा है कुआं है, पुराने ज़माने में ऐसा कुआं हुआ करता था, ये कुआं टाइप का लग रहा है। तो ये गाँव कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं वो बाबरकत वाला गांव में घूम रहा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं आप लोग को भी दिखा रहा हूँ ये जगह। तो मैं अभी उस जगह पे जाऊँगा जो यहाँ पे पुराने ज़माने का कब्रिस्तान है, उस जगह पे। तो ये देखें, ये ठीक सामने है कब्रिस्तान जो ऊपर से मैं आप लोगों को दिखाया था, अभी थोड़ा करीब जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे रोडों पे चलने के लिए थोड़ा डर भी लग रहा है, जब भी आओ ना थोड़ा नीचे देख के चलो, यहाँ कांटे वटे भी बहुत सारे हैं। ये देखें, ये कब्रिस्तान है यहाँ का। बनीशाद गांव का कब्रिस्तान है ये। यहाँ कब्रों में कोई निशान नहीं होता है, सिर्फ ऐसा एक एक पत्थर रख देता है और बाकी कोई निशान नहीं होता है, पक्की कब्र नहीं होते हैं ऊपर। तो ये देखिए, यहाँ पे एक कब्र खुला भी हुआ है, ऐसा कब्र हुआ है, चारों तरफ पक्का रहता है, नीचे मिट्टी रहता है। तो ऐसे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के साथ लाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। होली प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, गांव, शहर, बहुत नया नया जगह, नए नए देश जाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मुझे आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआ कीजिएगा मेरे लिए।